हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं ही बहुत अच्छी हूँ। पता है, सारे काम हो चुके हैं मेरे, खाना बन गया है, नाश्ता हो चुका है, सब कुछ। दो दिन से मॉर्निंग की क्लिप हो ही नहीं पा रही है। क्या करूँ यार, ऐसे ना सुबह सुबह इतनी जल्दी जल्दी काम होता है ना कि समझ में नहीं आता काम करूँ कि शूट करूँ। क्योंकि जो लोग व्लॉगिंग करते हैं उनको पता होगा कि जब आप कुछ चीज़ शो करते हो तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और सुबह इतना टाइम नहीं हो पाता है। तो हो चुका सब कुछ, पर खाने में क्या बनाया है मैं वो बता ज़रूर सकती हूँ। तो आज खाने में बना है छोले की सब्ज़ी, यम्मी सी। मुझे बहुत पसंद है छोला और राजमा टाइप की चीज़ें। एक तो इतने सारे स्पाइसेस होते हैं, टेस्ट इतना बढ़िया होता है। तो यस, छोले की सब्ज़ी बनी, सब कुछ है। बस रोटी मैंने रख दी थी कि रोटी ताज़ी ताज़ी बनाएंगे गरम गरम, तो खाने में अच्छा लगेगा। और आज भैया भी घर पे हैं तो हम तीनों लोग साथ में खाना खाएंगे। मम्मी का प्लान था साथ में आने का, बट हुआ ये कि उनके ऑफिस में हो गया काम, तो वो अब आएंगी थोड़ी देर के बाद। खाना हम, भैया और नैन्सी ही खाएंगे। तो चलो रोटी बनाते हैं और अपनी लंच की तैयारी करते हैं। मतलब लंच बन गया, पर सैलड वगैरह तो काटता होगा ना। चलो, सो फ्रेंड, मुझे काटना है ये सैलेड। और एक मन कर रहा है जैसे उस दिन हमने बनाया था ना, वैसे राउंड राउंड करके वैसे बना लूँ। पर उसके लिए ना एक सेब, एक मतलब सेम साइज़ का होना चाहिए। मतलब साइड में पतले जाते हैं फिर बीच में मोटे। और आई थिंक ना रेस्टो वाले क्या करते हैं, सिर्फ बीच का पार्ट लेते होंगे ताकि उनकी जो रोल बनते हैं वो सेम रहे। तो फिर सोच रहे चले यार राउंड कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग तो घर पे हैं ना, इतनी नौटंकी नहीं कर सकते हैं कि 10 खीरे ख़राब करें, साइड का वेस्ट करें। तो पूछते हैं भैया से क्या करना है। और आटा मेरा गूंधा रखा हुआ है, ये रोटी बनानी है मुझे। और सब्जी चावल बन चुका है, तो चलो चलते हैं बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि दोपहर हो गई है और भूख लगी है भाई साहब बहुत तेज वाली। चलो,
दोस्तों छोला थोड़ा सा ठंडा हो गया था क्योंकि सुबह का बना हुआ है ना, तो थोड़ा ठंडा हो गया, तो बस मैं गैस में गरम कर लूँगी और इसका पानी भी अलग से रखा हुआ है, तो थोड़ा सा थिक दिख रहा है मुझे, तो गरम करते अगर ठीक हो जाएगा तो ठीक है, वरना मैं थोड़ा सा पानी छोले के बॉईल करने वाला जो पानी था ना वही इसमें थोड़ा सा मिला दूँगी ताकि इसकी थिकनेस कम हो जाए। और पूरा खाना बन गया है और छोला देख के ना मुझे इतना ज़्यादा वाला मन हो रहा है कि अभी खा लूँ। आप बताइए आप में से किसको किसको छोला पूड़ी छोला भटूरे छोले चावल छोला रोटी पसंद है? मुझे तो ना हर एक चीज़ के साथ पसंद है। मुझे ना कोई पर डे छोला राजमा खिलाए तो मैं पर डे खा सकती हूँ, और मम्मी तो बहुत ज़्यादा यमी भी बनाती हैं। मेरे यहाँ ना बड़ा वाला छोला आता है, ये वाले छोले को क्या बोलते हैं बताइए आप लोग। कभी कभी होता है ना हम लोग कोई चीज़ ऐसे ही ले लेते हैं कि यार ठीक है अच्छा लग रहा है तो ले लेते हैं, और फिर पता चलता बाद में कि वो बहुत यूज़ की चीज़ निकली है। उसी तरह एक ये वाला है हथियार कटर, इसे हम लोग ने ना एग्जीबिशन से लिया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि इसमें कटिंग भी हो जाएगी और स्लाइसिंग भी हो जाएगी, तो चलो इसे ले लेते हैं। और फिर बाद में लगा कि यार सारी चीज़ तो चाकू से हो ही जाती है, और हम लोग डेली वेज में चाकू से ज़्यादा ही काम करते हैं, मतलब उसी से पील ऑफ कर लेते हैं उसी से कट कर लेते हैं, तो ज़रूरत नहीं रहती है। बट इससे ना अब मेरे घर में बहुत यूज़ होने लगा। पूछो कैसे, हम लोग पोहा वगैरह खाते हैं ना तो गाजर वगैरह कट करनी होती है, तो इससे एक साथ जल्दी चिली काटनी होती ना तो इससे। और पता अभी मैंने जब खीरा आया ना अभी पिछली बार जब मैंने दिखाया था, तो हम लोग के यहाँ ऐसे छिलनी होती है तो उसी छिलते थे, पर मेरा मन हुआ कि देखते इससे करके कि कैसे छिलेगी, और किया तो वाकई बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं। तो यस करती हूँ। आजकल खीरा कड़वे नहीं आ रहे तो ऊपर की काटने की ज़रूरत नहीं है, मतलब पहले से हम लोग बहुत गर्मी होती है तो हम लोग खीरे को ऐसे करके और फिर ऐसे 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 करके उसका जहर निकालते हैं। मैं तो घर पे यही बोलती हूँ मम्मी इसके अंदर जहर होता है, ऐसे निकालते हैं सफ़ेद सफ़ेद जहर, क्योंकि जब मूवी वगैरह देखो ना तो जब जो लोग जहर खा लेते हैं तो उनका मुँह से वाइट वाइट निकलता है, तो चाइल्डिश वाली बात, लेकिन अभी भी हम उसको मतलब यही बोलते हैं कि जहर है इसमें जहर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उसका वो हर जो होता है ना कड़वा कड़वा सा वो चीज़ निकल जाता है, पर अभी इसकी इतनी नीड नहीं है, फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं क्योंकि बाद में एक बार स्लाइस कट गया ना तो फिर बेकार होने के अलावा और कुछ नहीं होता है। थोड़ा सा कर लिया है, देखो अब ना मैं इससे करूँगी, करने को चाकू से भी कर सकते पर इससे कर देते, ये ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, फटाफट यार इसी से करके इसी से कटिंग भी हो जाती, मतलब वाव वाली फीलिंग आती मुझे तो। तो बस सैलड बना रहे हैं क्योंकि अब गर्मियां आ गई हैं और बिना सैलड के खाना अच्छा तो नहीं लगेगा, मतलब वैसे तो सर्दियों में भी खाना चाहिए पर क्या होता है ना सर्दियों में थोड़ा सा बॉडी आलसी हो जाती मौसम के अकॉर्डिंग कि यार ठंडी है कौन करे या ये चीज़ है चलो जो है वैसे ही कर लो, या इतना चाट पकौड़ा टाइप बनता है ना तो यूज़ होते। चलो मैं इसे ना ऐसे ही करके देखती हूँ आपके साथ, पर मेरा खीरा बड़ा है इधर से कुछ तो एक ये निकला और एक ये निकला है, क्योंकि ये खीरे की मोटाई ज़्यादा है ना तो ये इसमें जा नहीं रहा, मैं तो अगर पतला खीरा होना तो यार सच में है यूज़ की चीज़, पर मैं ऐसे नहीं करूँ क्योंकि खीरा जाएगा नहीं तो फ़ायदा क्या है। तो हम अपना चॉपिंग बोर्ड उठाते हैं, अपनी बड़ी वाली तलवार वाली उठाते हैं चाकू। बहुत से ना यूट्यूब में लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था आपके घर की चाकू कितनी बड़ी है, तो मेरे यहाँ ना चाकू छोटी छोटी सी है, ये केक वाली नाइफ है तो काफ़ी अच्छी है काफ़ी कंफर्टेबल, और हम लोग को ना काम करते बन भी गया इससे तो ये बाहर ही निकाल लिया गया। इसका स्टिपला भी है, मतलब बेकिंग का सारा सामान है ना भैया के पास तो उसी में ये भी चीज़ थी, तो अब इसे यूज़ करने लगे हर चीज़ के लिए। और छोटी छोटी सी चाकू है वो अपना हाथ में समझ में नहीं आती, जब से इसे यूज़ करने लगा ना तो वो चीज़ लगती कि अरे ये बहुत छोटी सी है, तो मैंने जो कटिंग किया है वो खीरे ये है, ज़्यादा मोटे नहीं है पतले पतले मैं भी कर लेती हूँ, बात करते करते काम भी करते चलें क्योंकि भैया घर पे हैं और खाना खाना भूख लग रही, हमें भी नहा के आए हैं भूख लग रही, और कोम भी नहीं किया मैंने अभी, सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया, पता है ये लिप ग्लॉस ना ऐसे कैमरे में और भी ज़्यादा पॉप ऑफ पिंक कलर की लिपस्टिक लगती है, दैट द रीज़न मुझे ये बहुत पसंद है, और रियल लाइफ में कोई आपको देखेगा ना तो जस्ट लगेगा बेबी पिंक लिप है,
नेचुरली, क्योंकि नेचुरल लिपस्टिक है, तो बस वही किया है। आंखों में थोड़ा सा काजल लगाया है, अभी हेयर कॉम करूँगी खाने के बाद। भैया एक खीरा कट कर लूँ क्या? बढ़िया। ये घर का बना हुआ काला नमक है जो मेरी मम्मी घर पे बनाती हैं, बहुत यम्मी बनता है यार, बाहर से भी चाट मसाला काला नमक से बढ़िया ही है। तो हम लोग इसमें डालेंगे ढेर सारा, क्योंकि अभी नीचे भी जाना है। तो या खीरा बन के रेडी हो गया है दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए। अब खाना निकालते हैं। हे गाइस, गुड इवनिंग, कैसे हो सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुबह की जैसे फिर क्यों पूछ रही हूँ, कभी कभी ना माइंड ही स्विंग हो जाता है। कोई बात नहीं, आप बता दीजिए आप लोग कैसे हो। शाम का टाइम है और ना चाय और पापड़ बन गया है। होली के बाद से ना अब बना है पापड़, क्योंकि उस टाइम पे कंटिन्यू हो रहा था ना होली, परेवा, भाई दूज, गंगा मेला, तो पापड़ पापड़ हो रहा था। तो अभी थोड़े दिन का गैप हो गया है और नैन्सी का मन था कि आज पापड़ बनने चाहिए, मतलब बनने क्या चाहिए, फ्राई होने चाहिए। तो पापड़ फ्राई हुए हैं, चाय बनी है, सारे लोग बैठे हैं। चलो अपन लोग भी चलते हैं चाय नाश्ता पीते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, चलिए। हम मम्मी बैठे हैं, वहाँ भैया बैठे हैं, भैया कुछ लेके आए हैं और ये रखे हैं पापड़, खुरमे, चाय, टीवी, ठाकुर श्याम, माँ विंध्यावासिनी का निवास स्थान। बाय मम्मी। हाँ टहल आई है, कितने राउंड लगाए आज गाइस। मम्मी आ गई हैं दर्शन करके और साथ में मम्मी लाई हैं थोड़ी सब्जी, वो हाथ पे भी कुछ लाई हैं। ये है चाट, या पानी वाले बता से। सो फ्रेंड, मम्मी लोग दर्शन कर आई हैं, ये लीजिए मेरे साथ साथ आप लोग भी प्रसाद ले लीजिए। और बहुत यमी है लड्डू और रेवड़ी। और मम्मी वहाँ से कुछ खाने की चीज़ें भी लेके आई थी, जैसे कि दही बड़े, ये मीठे वाले दही बड़े हैं जो बाहर मिलते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं ये भी, लेकिन मुझे तो मेरी मम्मी के हाथ के दही बड़े पसंद, वो भी स्पाइसी वाले। और लाई थी पानी के बताशे और पिज़्ज़ा। या चलो देखते हैं आगे। सो फ्रेंड, दिस इज़ माई टूडेज व्लॉग, आई होप यू विल बी लाइक इट। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग, डोंट फर्गेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू टुमारो। बाय बाय।